टी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए दिल्ली तैयार। एनएसजी कमांडो संभाल रहे सुरक्षा की जिम्मेदारी। दिल्ली में लगाया गया एंटी ड्रोन सिस्टम। टी20 के लिए अक्षरधाम मंदिर और आईटीओ पर भी खास तैयारी। शानदार सजावट की गई। दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर भव्य सजावट की गई। G20 समिट के लिए रंग बिरंगे छातों और फूलों से सजाया गया पूरा इलाका। 10,000 फीट की ऊंचाई पर लहराया G20 का झंडा। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर गजेंद्र ने हवा में लहराया परचम। दिल्ली में DRDO ने जगह जगह तैनात किए काउंटर ड्रोन सिस्टम। G20 समिट के दौरान ड्रोन्स के खिलाफ खास तैयारी। दिल्ली में सेना ने तैनात की क्विक रिएक्शन मेडिकल टीम। एम्स समेत 4 अस्पतालों को पैरामेडिकल स्टाफ रहेगा मौजूद। दिल्ली के जोरबाग इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। स्पेशल सीपी ने बताया संवेदनशील जगहों पर खास तैनाती की गई। समिट से पहले दिल्ली पुलिस की गश्त। यमुना नदी में बोट पर सवार होकर जवानों ने किया निरीक्षण। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने तैयारियों का लिया जायजा। G20 समिट से पहले सुरक्षा और सफाई का फिर निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने G20 पर कहा ये देश के लिए गर्व की बात है। G20 के जरिए हम पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। G20 समिट से पहले आज होंगी 2 अहम बैठकें। अमेरिका और मॉरिशस के डेलीगेशंस के साथ होंगी द्विपक्षीय मीटिंग। देर रात करीब 3 बजे भारत के लिए रवाना हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वॉशिंगटन DC से दिल्ली के लिए भरी उड़ान। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के PM किशिदा, सऊदी अरब के प्रिंस सलमान और कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो भी आज भारत पहुंचेंगे। भारत पहुंचे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट के सेक्रेटरी जनरल G20 सम्मेलन में होंगे शामिल। G20 से पहले मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने की भारत की जमकर तारीफ। कहा भारत के यूक्रेन और रूस दोनों से अच्छे संबंध। मॉरिशस भी चाहता है युद्ध जल्द खत्म हो। G20 सम्मेलन के बाद PM मोदी से मिलेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति। 10 सितंबर को इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे PM। आज से 11 सितंबर तक दिल्ली के दौरे पर रहेंगे पुष्कर सिंह धामी। G20 के भी कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सनातन धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला। उदयनिधि स्टालिन और ए राजा के खिलाफ याचिका दायर। वकील विनीत जिंदल ने की FIR करने की मांग। सनातन के अपमान पर बोले अनुराग ठाकुर। कहा ये इनकी ऊंची मानसिकता दिखाता है। घमंडिया गठबंधन का घमंड जल्द खत्म होगा। सनातन को लेकर विवाद पर बोले CM योगी आदित्यनाथ। कहा देश की उपलब्धि कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही। सनातन का अपमान करने की कर रहे हैं कोशिश। DMK नेता ए राजा ने सनातन पर फिर दिया विवादित बयान। कहा HIV की तरह ही खतरनाक है सनातन धर्म।
कमल हसन ने किया उदयनिधि का समर्थन, कहा लोकतंत्र में उदयनिधि स्टालिन को सनातन पर अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है, परंपराओं का मूल्यांकन जरूरी है। चेन्नई में हिंदू मुन्नानी संगठन का प्रदर्शन, सनातन धर्म पर उदयनिधि के बयान का जमकर किया विरोध। दिग्विजय सिंह ने कहा सनातन धर्म आदिकाल से चला आ रहा है, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन होते रहे हैं। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलई का उदयनिधि को चैलेंज, कहा इस बार चुनाव सनातन के मुद्दे पर लड़ने, देखते हैं तमिलनाडु की जनता किसका साथ देती है। स्टालिन के बयान पर बोले राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह, उदयनिधि स्टालिन को गीता रामायण पढ़ लेनी चाहिए, आपका विवेक मर गया इसलिए आप धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। सनातन विवाद पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा सनातन धर्म का अंत करने वाला धरती पर पैदा नहीं। अमित मालवीय का विपक्ष पर निशाना, कहा क्या मुंबई में बैठक के बाद सनातन धर्म पर हमला, कांग्रेस और गठबंधन का एजेंडा है। एकनाथ शिंदे का विपक्ष पर वार, कहा एक के खिलाफ चाहे कितने भी लोग खड़े हो जाएं, मोदी को हराना नामुमकिन है। सनातन विवाद पर बोले लालू प्रसाद यादव, कहा बीजेपी पाखंडी है, सबका मालिक एक है, मोहन भागवत भी आरक्षण विरोधी है। इंडिया और भारत विवाद पर बोले आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव, बीजेपी घबराई हुई है इस वजह से कुछ भी बोल रही है। अजय राय का 2024 चुनाव को लेकर बड़ा बयान, कहा यूपी की सभी 80 सीट से लड़ने की तैयारी कर रही है पार्टी, रायबरेली से ही लड़ेंगी सोनिया गांधी। यूरोपीय संसद के सदस्यों के साथ राहुल गांधी ने ब्रसेल्स में बंद कमरे में बैठक की, यूरोप के 3 देशों के दौरे पर है राहुल गांधी। बेल्जियम के ब्रसेल्स में राहुल गांधी, यूरोपीय संसद में कई सांसद से की मुलाकात। तीन दिन के निजी दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा आज रणथंभौर नेशनल पार्क जाएंगे। धान की खरीद को लेकर भूपेश बघेल का केंद्र पर आरोप, कहा सरकार धान की फसल नहीं खरीद रही, बीजेपी हर चीज में राजनीति करती है। नोएडा के सेक्टर 45 के मेले में बड़ा हादसा, झूले का हिस्सा खुलने से महिला की गई जान, एक शख्स गंभीर रूप से घायल, मेला और झूला संचालक हिरासत में। लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा, बिल्डिंग के 6 फ्लोर से गिरकर एमबीबीएस छात्र की मौत, जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में यूपीएसटीएफ वन विभाग के संयुक्त कार्रवाई, 3 शातिर तस्करों को किया गिरफ्तार, भारी संख्या में कछुए बरामद। प्रयागराज में एसटीएफ और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों के पास से करीब 500 तोते हुए बरामद। अमरोहा में खूंखार कुत्तों का आतंक है जारी, श्रीकृष्ण राधा के रूप में घूम रहे मासूमों पर कुत्ते के झुंड ने किया हमला। छिंदवाड़ा में महिलाओं ने मनचले की जमकर की पिटाई, जूते की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया।
मध्य प्रदेश के श्योपुर में पाइप टूटने को लेकर दो परिवार में हुआ विवाद, आरोपियों ने जमकर चलाई गोलियां, सात लोग हुए जख्मी। बिहार के सारण में पूर्व विधायक के भाई ने चलाई गोली, जमीनी विवाद में की फायरिंग, दो हुए घायल। बिहार के आरा में ताजिया जुलूस देख रही महिलाओं पर किया गया पथराव, बाजार में कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। पटना में भारत फाइनेंस के मैनेजर के साथ हुई लूटपाट, हथियार के दम पर 20 लाख रुपए लूटे गए, मामले की छानबीन में जुट गई है पटना पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में 80 साल के रिटायर्ड टीचर से दिन दहाड़े लूट, पिस्टल के दम पर लूटे 85,000 रुपए। अमृतसर में एक्साइज विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़, ब्रांडेड बोतलों में भरी जा रही थी नकली शराब। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 31 किलो हेरोइन जब्त की गई, एक तस्कर को किया गया गिरफ्तार। पश्चिम मेदिनीपुर में कंटेनर और पुलिस वैन में भीषण टक्कर, हादसे में दो लोगों की गई जान, चार पुलिसकर्मी भी हुए घायल। श्रीनगर के बटमालू में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मोहम्मद यावर नाम का एक आतंकी गिरफ्तार, आतंकवादी के पास से ग्रेनेड बरामद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी, तलाशी के दौरान आतंकी ठिकानों का किया भंडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद किया बरामद। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, एक बैग से 78 जानवर बरामद, करीब 70 सांपों सहित 6 मरे हुए बंदर भी मिले। हैदराबाद के बालानगर में निर्माणाधीन इमारत की छत से गिरे मजदूर दो की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। भारतीय कोस्ट गार्ड की बड़ी कामयाबी, विशाखापट्टनम के पास बंगाल की खाड़ी से रेस्क्यू की मछुआरों की बोट, नाव पर सवार 10 लोगों को सुरक्षित निकाला गया।